बिहेवियर कैसे बताऊंगा मतलब वो कन्वर्जिंग पावर रखती है कि डाइवर्जिंग पावर रखती है तो देखो पावर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो कन्वर्जिंग पावर रखती है ठीक है कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रही है ठीक है ऐसा सोच लो कि इफेक्टिवली वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रही है ओवरऑल रिजल्ट एक कन्वेक्स लेंस की तरह आने वाला है तो अब देखते हैं हम कैसे पता कर सकते हैं मुझे पावर निकालने का फॉर्मूला पता है मेरे को पहले की पता हो दूसरे की पता हो पावर जैसे दो लेंसेज दोनों की पावर पता हो तो ऐड कर दूंगा आंसर आ जाएगा ठीक है पर मेरे पास पावर नहीं है मेरे पास है फोकल लेंथ मेरे पास एफ वन की वैल्यू है माइनस टेन सेंटीमीटर्स विच इज नथिंग बट जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर्स साइन कौन सा यूज करूंगा नेगेटिव और एफ टू की वैल्यू मेरे पास है फोर्टी सेंटीमीटर्स विच इज नथिंग बट जीरो पॉइंट फोर मीटर्स सॉरी ये आप जीरो पॉइंट वन मीटर्स लिखना था ठीक है माई बाय तो मैंने मीटर्स में कर लिया अब पावर निकालने का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वन बाय फोकल लेंथ तो मैं पी वन निकाल सकता हूं पी वन होगा वन बाय वन तो हो गया वन अपॉन माइनस जीरो पॉइंट वन मतलब माइनस टेन डायस पी टू निकालूंगा पी टू हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा वन बाय जीरो पॉइंट फोर ठीक है तो वन बाय ज़ीरो पॉइंट फोर करने पे क्या मिलने वाला है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा कॉम्बिनेशन का पावर होगा माइनस टेन प्लस टू पॉइंट फाइव ठीक है ऐसा पावर आ गया माइनस सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो माइनस साइन अभी मैंने पहले बता दिया था प्लस साइन का मतलब कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है तो सिमिलरली माइनस साइन के लिए ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है ठीक है डाइवर्जिंग लेंस तो ऐसा लगेगा कि जो कंबाइंड रिजल्ट है ना वो किसी एक ऐसे कॉनकेव लेंस में से आ रहा है जिसकी पावर इतनी हो ठीक है तो इसका बिहेवियर कैसा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेवियर है इस कॉम्बिनेशन का और इसकी पावर हमें दे रखी है यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर